ओके सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? छोटा सा सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। मतलब देखो, हर वीडियो में मोबाइल चालू या कोई आउटपुट निकालना जरूरी नहीं होता है, पर एक हमें सॉल्यूशन मिल जाए हमारे लिए बहुत काफ़ी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखना, क्योंकि इसमें ना बहुत जो एक हिडन सॉल्यूशन है वो छुपा हुआ है। कि जनरली जब भी हम काम करते हैं, जरा ये देखिए, मेरे पास जैसे एक रेडमी नोट 5 प्रो है, और मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इसका मैंने ना सीपीयू और आप देख सकते हैं एमएमसी निकाल के रखा हुआ है। और सीपीयू इसके, ये देखिए, दो सीपीयू है यहाँ पर, यहाँ दिखाइए, ये देखिए दो सीपीयू हैं इसके। ये दोनों सीपीयू को दिखाऊंगा, देखिए तीसरा सीपीयू लगा रहा हूँ। क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको इतने सीपीयू बदलने की? ऑलरेडी ये जो सेट था, ये डेड सेट आया था, ठीक है। हमने उसको चेक किया, हमने देखा कि भाई ये सेट ईएमसी से डेड है, बट जब हमने चेक किया तो ये सेट पोर्ट नहीं बना रहा था। अब पोर्ट नहीं बना रहा है, सो हमने इस पर सीपीयू निकाला, ऑब्वियस है। तो पहला सीपीयू ये देखिए, इधर दिखाइए, ये जो पहला सीपीयू है, इसको मैंने अभी देखिए, ये वाला सीपीयू उधर देखिए, इसको मैंने रिवॉल्व करके रखा हुआ है। इस सीपीयू को मैं लगाऊंगा। इससे पहले मैंने ये सीपीयू, ये इसमें लगा हुआ था, इसका नंबर देखिए, सो SDM363 और ये है 100AA। और उसके बाद फिर मैंने ये सीपीयू लगाया। सो देखो, पहले सीपीयू में क्या था दोस्तों, जब मैंने ये सीपीयू लगाया तो मुझे ना ईडीएल वोल्टेज नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ईडीएल वोल्टेज मिलते हैं और जो मुझे बक वोल्टेज हैं नहीं मिल रहे थे। और एक पीएस होल्ड की लाइन होती है, और मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ पीएस होल्ड के बारे में। तो इसकी जो लाइन होती है, उस पर वोल्टेज नहीं मिल रहे थे। सो मैंने ना, ऑब्वियस है कि पहले हम पावर आईसी चेंज करेंगे, और इसमें है ना दो पावर लगी हुई है, क्योंकि ये भी आपका बक जनरेट कर रही है और ये भी कर रही है। सो मैंने PM PML दोनों को चेंज किया, और तब भी देखा तो मेरे को है ना PS, तब भी मेरे को PS होल्ड पे कोई वोल्टेज नहीं मिले। तो मैंने CPU को रिवॉल्व किया, और MMC में उतार चुका था। CPU को रिवॉल्व करने के बाद में फिर मैंने देखा कि मेरे ये वाला CPU रिवॉल्व करने के बाद मेरे को नहीं बना, तो मैंने CPU चेंज किया। तो जब CPU चेंज किया तो मेरे को वोल्टेज बन गए। तो मेरे को जब मैंने ये वाला CPU लगाया, वोल्टेज तो बन गए, और यहाँ पर मेरे को 1.8 वोल्टेज यहाँ मिले, आपको दिखा देता हूँ। देखिए जम्पर लगा हुआ है रजिस्टर हटा के, एक वोल्टेज यहाँ मिल गए, और जो मेरे को बक मिलने थे वो मिल गए, और 1.8 वोल्टेज यहाँ पर मिल गया। बट क्या हुआ, ये तब भी पोर्ट नहीं बना रहा था। अब पोर्ट नहीं बना रहा तो क्या करूँ? तो फिर बाद में मैंने इस सीपीयू को भी निकाला और एक दो बार रिवॉल्व किया। दोस्तों क्या होता है ना, जब हम रेगुलर काम करते हैं तो हमारे दिमाग में है ना रेगुलर फॉल्ट चलते रहते हैं, उनके सोल्यूशन चलते रहते हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, और ये आप लोगों को एडवाइस भी कर रहा हूँ कि अगर आप टेबल पे काम कर रहे हो ना, तो आपको दिमाग बहुत शांत रखना पड़ेगा, और पूरा दिमाग ऑन आपके टेबल पे होना चाहिए। अगर आप घर से लड़के आओगे या कुछ भी करके आओगे, या आपके दिमाग में है ना किसी चीज को लेके, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये बोल दिया, ये छोटापन है ना, वो ये छोटे लोग होते हैं ना, जो ये छोटे लोगों की आदत है कि इसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, देखो ये मुझे ऐसा कह रहा है, ये मुझे ऐसा कह रहा है, ये बहुत छोटे लोगों की आदत है। और जिनकी बहुत छोटी सोच होती है ना, वो हमेशा दूसरों के बारे में बोलते हैं और उनके बारे में, और वो लोग हमेशा है ना कोई उसी बात को लेकर बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं। पर आपको छोटी सोच नहीं रखनी, आपको बड़ी सोच रखनी है। तो जब भी हम काम करते हैं ना, हमें खोल के माइंड को पूरा रिलैक्स, क्योंकि ऐसे में ना बहुत सारी लाइनों को, बहुत सारी चीज़ों को मिस कर सकते हैं। ये मैं आप जैसे टेक्नीशियंस को बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे स्टूडेंट भी देख रहे हो, आप लोगों को भी जाने एक मोटिवेशन की तरह ये वीडियो लेगी। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरा ध्यान सीपीयू लगाने निकालने, सीपीयू निकालने लगाने में रहा, पर मेरा ध्यान ये नहीं रहा कि मैं एक बार ये भी चेक कर लूँ कि यूएसबी की लाइन है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर यूएसबी के आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से ये रजिस्टर लगे हुए थे, ये देखो दो रजिस्टर, एक रजिस्टर निकाला तो मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे GR 1600 आ रहा था, जो कि मेरे को जो GR था यहाँ पर आना था 300 800 300 500, मतलब बेसिकली 500 600 से अंदर आना था। अब देखो, तब पहले मैंने इसकी है ना ट्रैक चेक किए, ये देखिए दिखाइए, यहाँ पर मैंने देखिए ये बी मोड पे लिया है, इधर दिखाइए, ये देखिए, अब यहाँ पर सामने दिखाइए। सो देखिए, इसका एक लाइन यहाँ के साथ कनेक्टेड है ये, और इसका दूसरा लाइन यहाँ के साथ कनेक्टेड है ये। तो बेसिकली पैड, मेरे को ये लग रहा था कि भाई पैड लाइन में से, तो चलो माइक्रो जम्पर कर देंगे, कुछ नहीं तो सीपीयू वो हो जाएगा। बट देखा जाए तो सीपीयू लगाने के बाद मुझे GR आ ही नहीं रहा है। तो देखो, अब मैंने क्या चेक किया, अब मैंने सीपीयू को चेक किया, मैं सीपीयू दिखाता हूँ। ये देखिए सीपीयू है ना, इस तरीके से लगा हुआ है, ये देखिए, ये नोज कट पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे नोज कट पॉइंट है। तो इसका ये वाला पोर्शन में हम चेक करेंगे, मतलब बेसिकली ये वाले पोर्शन में,
सो अब मैंने सीपीयू को चेक किया, तो सीपीयू के ऊपर ये जीआर मुझे आना चाहिए। तो देखिए इस तरह से दिखाइए कि ये दोनों दिखाई दे, ये दोनों दिखाई दे, ठीक है। अब आप देखिए, तो मैंने पहले कहीं पे भी ग्राउंड पे लगा लिया और एक बीच चेक कर ली कि मुझे ये वाला पैड है मेरा ग्राउंड है। ये देखो ये ग्राउंड आ गया। देखो अब थोड़ा सा क्लोजली दिखा दो, ये देखो ये वाला ग्राउंड आ गया। सीपीयू के ऊपर का जीआर चेक कर रहा हूं। अब यहां पर मुझे ये वाले पैड और ये वाले पैड पे मेरे डाटा की लाइन है, मुझे यहाँ पे जीआर मिलना चाहिए। दिखाइए यहाँ पर, और देखिए मैं कूल टेस्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ दिखाइए, देखिए फिर से देखिए, यहाँ पर दिखाइए, देखो बीप आ रहा है। अब यहाँ रखूंगा जीआर मिलना चाहिए। दिखाइए, देखो कोई जीआर नहीं है। यहाँ पे दिखाइए, देखो कोई जीआर नहीं है। तो मतलब इसका मतलब है कि सीपीयू से जीआर निकल ही नहीं रहा है, दैट मीन सीपीयू उसको जीआर दे ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने दूसरा सीपीयू लगाया। अब दूसरा सीपीयू लगाया तो मैंने सोचा यार, अब देखो ये, देखो ये दो बोर्ड रखे हुए हैं, ध्यान देना ये दो बोर्ड रखे हुए हैं। तो मैंने इसका सीपीयू निकाला, ये स्क्रैप बोर्ड था, और मैंने बिना चेक किए हुए सीधे लगा दिया, जबकि हमें चेक करना चाहिए था। इसलिए होता ना, टाइम थोड़ा सा लगता है एक सेट को बनाने में, बहुत टाइम लग सकता है, ध्यान रखिएगा। बट अब देखिए, तो अब मैं दूसरा सीपीयू, ये सीपीयू तो हो गया मेरा। अब इसके बाद मैंने दूसरा सीपीयू लगाया, तो मैं इस सीपीयू को फिर से, इस सीपीयू को यहाँ से देखिए, इस सीपीयू को यहाँ पे बाजू में रख देता हूँ और इस सीपीयू को यहाँ रखता हूँ। ये इसका नोज कट पॉइंट है ये। अब इस सीपीयू को इधर रखूँगा ये। तो अब देखिए ये मेरा दूसरा सीपीयू है, और इस सीपीयू में भी मैंने चेक किया, हालांकि इसमें एमएमसी का मसला नहीं है, बट एमएमसी के मसला मतलब एमएमसी की प्रोग्रामिंग का मसला था। आप तो जानते ही हैं कि सैमसंग जो ये नोट 5 प्रो होते हैं, ये ज़्यादातर एमएमसी से ही मरे होते हैं, माइक्रोन की या सैंडिक्स की एमएमसी लगी होती है इसमें। अब देखो, अब यहाँ पर अब बात करेंगे, पहले यहाँ पर तीसरे नंबर पे बीप ले लें, और तीसरे नंबर पे बीप ले लें, ये देखो तीसरे नंबर पे बीप आ गई, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तीसरे नंबर पे बीप आ गई, ये देखो इस पे अभी भी जीआर नहीं आ रहा है। तो बेसिकली एक पे जीआर आ रहा है, एक पे अभी भी जीआर नहीं आ रहा है। तो अब इसके बाद तब जाकर मैंने एक और सीपीयू निकाला, उसको रिवॉल्व किया। अब उसको मैं फिर से चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये मेरा सीपीयू है, और ये ऐसा लगेगा। तो ये वाला पार्ट है, तो इसको ऐसा करेंगे। अब वापस यहाँ पे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले तीसरे नंबर बीप ये आ गई। अब देखो इस और इस दो पर जीआर आना चाहिए, देखिए 394 396। सो इसका मतलब है, एमडी सर क्या समझे इससे, आप बताइए। हाँ, दोनों लाइनों पे हमको जीआर पूरा बराबर मिल रहा है, और इससे पहले जो सीपीयू थे उसपे, इस पे हमको जीआर नहीं मिल रहा था, जीआर नहीं मिल रहा है। तो मतलब हमारा फॉल्ट बेसिकली, सीपीयू पूरा सही था, ऐसा नहीं है सीपीयू खराब था, पूरा 1.8 पीएस होल्ड की लाइन आपको सिग्नल भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है, बस खाली क्या नहीं दे रहा है, डेटा की लाइन में दिक्कत, डेटा की लाइन में दिक्कत है। अब देखो, अब देखिए मैंने सीपीयू रिकॉल कर लिया है, अब आपके सामने मैं सीपीयू लगाता हूँ। मैं सेट को ऑन नहीं करूंगा, ये मैं करता रहूंगा, ये मैं हमारे लिए कोई छोटी बात है, बेबी वर्क है हमारे लिए, बट हम इसका पोर्ट बना के देखते हैं कि पोर्ट बनता है कि नहीं बनता है, देखिएगा। तो मैं इसका सीपीयू लगा देता हूँ, ये मैंने रोजिंग लगा रहा हूं उस पर सीपीयू पर, ठीक है। और मेरे सीपीयू पर यहां पे थोड़ा क्लीन कर लेता हूं, ये पूरा दिखाइए, देखिए। तो ये सीपीयू लगाएंगे, और हमको यहां पर इस वाले जो रजिस्टर है यहाँ पे जीआर मिलना चाहिए दोनों पे, ठीक है।
ये देखो सीपीयू टच करने वाला हूँ, ये पहला, ये दूसरा। तो सीपीयू तो हमने यहाँ पे लगाया है, तो वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों देख रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, गलती कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन से मिस हो जाएंगे यार, बहुत कुछ देने वाले हैं आगे जाकर। सर इस वीक में आपने कम से कम 3 या 4 वीडियो ऐसे बनाए, बहुत नॉलेजफुल है। हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो। और मनी रत्न चैनल है हमारा, पर्सनल ब्लॉग है, वो लिंक नीचे डाली हुई है, उसको जाओ देखो पर्सनल लाइफ। और जो मेरा फेवरेट है, जो मैं टाइम पास में करता हूँ, मेरे को दूसरों के ज्यादा बारे में बोलने से अच्छा है अपने अपने खुद की भाषा बोले, भाषा बोलो, अपने आप को रिलैक्स रखो, फ्री रखो, टेंशन मत लो काम का। जिंदगी में काम आता जाता रहता है, जितना काम आएगा उतना करते जाओ, बहुत काम आएगा, नॉलेज रहेगा तो काम आता जाता रहेगा। काम तो सर किस्मत की बात नहीं है, काम है टैलेंट, जितना आप में सिखाने की योग्यता है आपके पास में, कोई आपको काम रोक नहीं सकता है। किसी से बोलने से बहकावे में मत जाओ, एक आदमी किसी की किस्मत नहीं बदल सकता और एक आदमी हमेशा दूसरे के पैर को खींच के ही आगे बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें, खैर हमें क्या करना। अब देखिए यहाँ दिखाइए, तो मैंने फैन यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ। 2 फैन है मेरे पास, एक 2ULL का और एक फ़ैन है, ये देख सकते हैं नॉर्मल फ़ैन है, पोर्टेबल फ़ैन है। ये 350 रुपये का है, अमेजोन से ले लो, ये ZX वाले से परचेस कर लो, ठीक है। तो अब सबसे पहले इस फोन को इसमें लगाएंगे और इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि भाई वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखो यहाँ पर, यहाँ दिखा दो, यहाँ पर मैंने ओपन कर लेता हूँ डिवाइस मैनेजर, और इसके साथ ये देखिए ये वायर लगा हुआ है, ये वायर आपको देख रहे होंगे, ठीक है। अब तो ये देखो, अब इस पे हमारे को 1.8 वोल्टेज स्टेबल आनी चाहिए, ये देखिए 1.8 वोल्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं स्टेबल। और ये PS वोल्टेज की लाइन है यहाँ पर भी, और सारी अगर हम बक लाइन चेक करेंगे ना, तो हमारी बक लाइन पे भी हमारे को वोल्टेज आपको दिखाई देगी, देखो वोल्टेज हमारे को आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लगा देते हैं एक रजिस्टर, एक जल्दी से एक रजिस्टर लगा देते हैं, और ताकि हम, अब आप सोच रहे हो कि कितने ओम का लगना है, क्या लगना है, यही सारी चीजें सीखो यार, यही सारी चीजें। अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा आपको, आप कॉल कीजिए, आपको इस महीने हम एडमिशन दे देंगे, दे देंगे मोहम्मद सर, बिल्कुल दे देंगे सर। आप यहाँ आएंगे, एक सर का पर्सनल अनुभव है, जो रात दिन काम करते हैं उसकी टेबल मिलेगी, आइडेंटिफिकेशन की क्लास में बहुत सारी चीजें हैं जिनको सर ने IC को लगाने की जरूरत नहीं है, उसको जंपर कर दिया है, किन IC को जंपर करना है, किन IC को जंपर नहीं करना है, पर्सनल एक्सपीरियंस की जो टेबल, जो आपको इंडिया तो दूर की बात है, पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल पाएगी, जो सर का एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा निचोड़ के दे दिया, आपका PCB देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो सर लगवा लेते हैं तीसरे दिन ऑल स्टूडेंट से पावर, और चौथे दिन लगाते हैं ऑल स्टूडेंट CPU, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच पांच बार लगाते हैं। और ये सर का चैलेंज है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ चौथे दिन CPU नहीं लगाता है तो हम उसको आने जाने का किराया प्लस फीस रिटर्न करके हम देंगे उसको अंदर, ये हमारा प्रोटोकॉल हमारा बहुत है भाई, हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ मामा चाचा की दुकान नहीं है कि आप आएंगे और यहाँ पर अपने हिसाब से, क्योंकि देखो आप स्टूडेंट आप सीखने आए, आपको कुछ पता ही नहीं है तो ही आप आए। ये रजिस्टर यहाँ पर हमने देख लिया है, और ये रजिस्टर हम इसको लगा देते हैं, ये देखो ये अपने आप बैठेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ये देखो। तो देखिए अब ये रजिस्टर लग गया है, अब मतलब हमारा जो बेसिकली
बेसिकली अब हमारा अगर हम बात करें जो प्रोटोकॉल हो वो पूरा हो चुका है DPDM का, जिसको USB प्रोटोकॉल कहते हैं। अब यार लोग परेशान हो गए थे इस फोन में काम कर करके। मैं ये नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कहाँ से आया था, जहन्नुम से आया हो ये फोन। कहाँ बट पड़ता है, मेरे को किसी से व्यू नहीं बटोरने है ना साहिब, मोहम्मद सर बटोरने क्या व्यू? नहीं नहीं भाई, अपनी मेहनत से व्यू लाए हैं, अपनी मेहनत से चैनल बनाए हैं और अपनी मेहनत से सब्सक्राइबर हैं। 2 लाख सब्सक्राइबर आज ऐसे ही नहीं है, और आज एक भी वीडियो देख लो कि मैंने आज तक कभी किसी का नाम लिया हो तो, क्योंकि हमें अपने माँ बाप ने सिखाया है कि जितना हो सके खुद के दम पे आगे बढ़ो। बराबर। और ईद मुबारक आप लोगों को, मोहम्मद सर ईद मुबारक। ईद मुबारक सर आपको भी बहुत बहुत ईद उल अदा की ईद मुबारक आपको, और आपको भी सर के सारे सब्सक्राइबर को भी और पूरे भारतवर्ष को। देखिए पोर्ट बनता है, कुछ कुछ सेकंड लगते हैं इसमें, यहाँ पर ये देखिए पोर्ट बन गया आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ड्राइवर का मसला है, ये देखिए पोर्ट बन गया। तो दोस्तों ये सोल्यूशन कैसा लगा, ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस फोन को तो हम बना ही देंगे। अभी इसमें मुझे MMC लगानी है, सैमसंग की MMC है BJ254, और इसको प्रोग्राम करके लगाएंगे और लाइव आएंगे क्लास में। कल भी लाइव आएंगे तो आप देखिएगा लाइव, परसों भी आएंगे लाइव तो देखिएगा लाइव, और बहुत कुछ नया आपको देखने मिलने वाला है। अगर आपको सीट बुक करानी है आप आइए भरोसा करके। आप सोचो कि मुझे क्या जानना है, IC कॉम्पोनेंट, मैं आपको मिड लेयर के बारे में बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के डायग्राम नहीं होते मार्केट में, मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग में जो डायग्राम्स होते उसमें कॉम्पोनेंट की वैल्यू नहीं होती लेआउट पर, और मैं आपको बताऊंगा वीवो के सेटों को कैसे बेटा डायग्राम ट्रेस किया जाए, जिस सैमसंग में लेआउट में कॉम्पोनेंट के रजिस्टर में आप कॉम्पोनेंट की वैल्यू नहीं होती, तो उसको कैसे पता करें कि क्या वैल्यू है अगर निकल गया मिसिंग हो जाए तो, बहुत कुछ सर। बहुत सारे व्यूवर आपके ये जानना चाह रहे हैं, मैं भी कमेंट देख रहा था, बहुत सारे व्यूवर आपके ये जानना चाह रहे हैं कि सर एशिया टेलीकॉम नया अपडेट हुआ है तो उसका जो पूरा लॉन्चिंग का वीडियो है आप कब अपलोड करने वाले हैं? सारे स्टूडेंट्स जो एशिया टेलीकॉम से पढ़ के गए हैं और एशिया टेलीकॉम के व्यूवर है, बहुत सारे लोग आपका वीडियो देखने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी बात, बैकअप स्टूडेंट ये सारे वीडियो अगर हमारे पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं, सो 9 तारीख 23 तारीख नोट कर लो, 3 दिन का बैकअप है। मैं MD सर को कॉल लगाऊं, आपके पास नंबर होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी नीचे नंबर है, तो सर को कॉल लगाओ, मैसेज करने की जरूरत नहीं, सीधे कॉल लगाओ, अपनी डेट बुक करो, टिकट भेजो और बैकअप में आओ। और ये हमेशा हर महीने चलता रहेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्टीट्यूट जो हर महीने दो दो बैकअप क्लास दे, क्योंकि इंस्टीट्यूट की होड़ लगी है पैसे कमाने में, दो दो बैच, तीन तीन बैच, हर चीज छोटी छोटी चीज भी पढ़ाएंगे उसमें। सर आपका 30 दिन का तो आपका कंटेंट रहता है, सबसे ज्यादा हमारी डे होते हैं, सबसे ज्यादा घंटे हमारे होते हैं, सबसे ज्यादा कंटेंट हमारा है। हम कभी टॉपिक पे नहीं चलते, हम कभी नहीं बोलते कि तुम बताओ, स्टूडेंट को तो कुछ पता ही नहीं होगा, स्टूडेंट को अगर पता होता तो वो सीखने क्यों आता, किसे मुझे ये पढ़ा दो, फॉल्ट वाइज काम नहीं होता है दोस्तों सर, सेक्शन सप्लाई वाइज नॉलेज। सर सब मामले में देखा जाए तो सर भारत में इतने टीचर, आपके जितने टीचर जो 6-7 टीचर के साथ टीम आप लेकर चल रहे हो, इतने टीचर भारत में किसी के पास भी नहीं है। अच्छी बात है, और देखो उनके स्टूडेंट को अच्छा मौका मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि एक दो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पढ़ा ही देंगे क्या कर लेंगे, पता नहीं बैकअप देंगे या क्या देंगे पढ़ाएंगे, तो इसलिए बड़ी टीम होना बहुत जरूरी है। और हिंदुस्तान में जो भी बड़ी टीम के साथ चल रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये कहूँगा अपडेट करें अपने आप को और स्टूडेंट को साथ ना छोड़ें। और अगर देखो स्टूडेंट को भी मैं समझना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट से गए हैं आप, बिल्कुल आपने कभी IC पे काम नहीं किया, आपने सर्किट पे काम नहीं किया, आप एकदम से सर्किट IC पे आए हैं, आपने इंस्टीट्यूट में भले ही अपने सेट चालू कर लियो, भले ही आपने IC डन कर लियो, भले ही आपने CPU लगा लियो, पर आपको भी समझना जरूरी है कि घर जाकर आपको 3-4 महीने अपने आपको ट्रेनी ही समझना है, आपको प्रोफेशनल में तब आना है जब 4-5 महीने बाद अपने आप धीरे धीरे काम करते करते आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि यार ये सारी चीजें मेरे लिए आसान हो गई है, तब आपको प्रोफेशनलिज्म लगेगा। आप ये ना सोचे कि जाकर ही मैं तंबू में बम्बू काट दूंगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी सोच ना रखें।
और जो स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट भटक रहा है, भाई मेरी बात सुन लो, उससे कुछ नहीं होगा, तुम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है उस इंस्टीट्यूट से बात करो, वो उससे बैकअप क्लास लो और उनके डाउट करो। आपने 20-25-50 हज़ार रुपये बार बार इंस्टीट्यूट में डाल 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 के क्यों अपना अपना और दूसरों का नाम खराब कर रहे हो? और मैं सच बताऊं ऐसे ऐसे कोई फायदा भी नहीं होगा ना, क्योंकि आज आपने इस इंस्टीट्यूट से बैकअप नहीं मिला तो कल उससे भी नहीं मिलेगा, तो कहां हर एक को गाली बकोगे। सो ये पॉलिसी भी सही नहीं है स्टूडेंट लोग की भी। तो और देखो जो आगे बढ़ता है ना उसमें एक सेकंड की भी निगेटिविटी नहीं होती साहिर सर, बराबर। और जो निगेटिव होता है ना वो 6-2 महीने के बाद में लाइन ही छोड़ देता है, बराबर। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बराबर सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलो बोलो सर। वो आपका एक्सपीरियंस तो स्टूडेंट के आप चेहरा देख के बता सकते हो कि ये कैसा बिहेवियर करेगा, क्या करके आया है, क्या आगे करेगा, क्योंकि रीजन उसका रीजन है ना, आप 2-4 साल से नहीं पढ़ा रहे हो, 2013 से पढ़ा रहे हो, 2022 चल रहा है। अगर क्वांटिटी से अगर अपन जोड़ा जाए तो 10 साल का अनुभव है आपको पढ़ाने का, सिर्फ पढ़ाने का सर। ना बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं और ऐसा नहीं है, हम भी अपडेट हुए अपनी लाइन में, हम भी बहुत पहले कुछ करते थे उसके बाद फिर हमने अपडेट किया, हमने अपडेट किया और इस बात को मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट सब होते हैं और अपडेट होने के बाद हमें बहुत नॉलेज मिलता है। सर एक दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा, आप आईफोन के इतने वीडियो बनाते हो, आईफोन पढ़ाते नहीं, तो आईफोन आपका शौक है? आईफोन शौकिया तौर पे, और आईफोन ऐसा है कि आईफोन पढ़ाने से क्या होता है, सर्किट का नॉलेज की भी नॉलेज बढ़ती है कि भाई एक दूसरे सर्किट में क्या होगा। फोन फोन है हमारे लिए, अब वो आईफोन हो एंड्रॉयड हो, और मैं यही बोलूंगा जो भी आईफोन करना चाहते हैं वो पहले एंड्रॉयड समझ लें, उसके बाद आईफोन आपके लिए बिल्कुल हलवा लगेगा, बट आपको हैंडल स्किल पे ध्यान देना है और जो कुछ प्रोटोकॉल्स बढ़ जाएंगे आईफोन में और छोटी मोटी चीज़ है, आईफोन को ज़्यादा है नहीं है। देखो दोस्तों ब्लैक पेस्टेड की भी बात करूँ तो आईफोन 7 की भी अगर बोलूँ तो पावर आईसी और सीपीयू और बीबी सीपीयू, उसके अलावा ब्लैक पेस्टेड कहीं नहीं रहता है और बहुत कम जगह रहता है, हर जगह आपको नॉर्मल पेस्ट नॉर्मल मिल जाएगी, वैसी आईसी जैसे बस चिपकी चिपकी होगी, बस ये हैंड स्किल। अब मेरी बात पकड़ मत लेना कि भाई 7 में ये भी नहीं होती वो भी नहीं होती। एक मैंने एक उदाहरण के तौर पे कहा मेरे दोस्त, और तो ये सारी चीज़ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ईद की शुभकामनाएं, ईद उल अदा, ईद उल अदा आप लोगों को मुबारक हो और आपके पूरे परिवार को।